everyone, welcome to fourth day of May 2020. We all are fighting against corona. हम सब कोरोना COVID-19 इसके अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं. सबसे पहली बात तो ये डॉक्टर्स, पुलिस, नर्सेस, सर्विस पीपल, ये सफाई कर्मचारी सब अपना काम पूरी शिद्दत से निभा रहे हैं. और हमारे जैसे लोग पूरा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, प्लस गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस दिया है हम वो भी सारे के सारे फॉलो कर रहे हैं. और जैसा कि आप लोग सबको पता है कि इन सभी लोगों को थैंक यू और ग्रैटिट्यूड दिखाने के लिए कल पुष्प वर्षा की गई, यानी कि फ्लावर पेटल्स को ऊपर से बारिश की तरह बरसाया गया. ये मेरा हिंदी बोलने का तरीका है. और फिर मानव श्रृंखला यानी कि ह्यूमन नेकलेस से उन लोगों को थैंक यू और ग्रैटिट्यूड बोला गया. वी आर रियली थैंकफुल टू ऑल दीज पीपल हु आर स्टिल आउट ऑफ देयर होम टू सेव अस. अ रियली बिग थैंक यू. अब नीति आयोग ने ये सभी के बीच में एक होप भी दिया है कि जैसे ये ह्यूमन लॉकडाउन बढ़ रहा है ना, तो पहले क्या हो रहे थे, कुछ दिनों में हर 5 दिन में, मतलब विद इन अ वीक केसेस यूज टू गेट डबल, मतलब केसेस ना पूरा डबल हो जाते थे पॉजिटिव केसेस. बट अभी आफ्टर लॉकडाउन एक डिफरेंस आया, वो है कि हर 11 दिन में केसेस डबल हो रहे हैं. यानी कि थोड़ा सा एक डिफरेंस तो आया है. COVID-19 के पॉजिटिव केसेस इन आवर कंट्री इट इज अबव 40,000. जी हाँ, 40,000 से ऊपर क्रॉस कर चुका है. महाराष्ट्र में अकेले ही ये 12,000 से भी ज्यादा क्रॉस हो चुका है. और सबसे ज्यादा डेथ गुजरात में हुई है. बाकी सब स्टेट वाइज लिस्ट तो आप सबके पास आ ही जाता है. लव अग्रवाल जी जो सेक्रेटरी है, उन्होंने भी ये कहा है कि नाउडेज नंबर ऑफ केसेस हैव इंक्रीज्ड, बट वो मल्टीप्लाई जो हो रहा था ना बहुत फास्टली, वो नहीं हो रहा है. सो दैट इज अगेन अ गुड न्यूज. कल यानी कि 3 मई को लॉकडाउन पार्ट 2 का एंड हुआ और आज यानी कि 4 मई से लॉकडाउन पार्ट 3 हैज गॉट स्टार्टेड. एट प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट्स विच comes under red zone restrictions are still like this, as I have told in my last video of lockdown part 3, that people cannot come out from 7 p.m. to 7 a.m. plus senior citizens above 65 years are not allowed to leave their houses, and children below 12 cannot come out of their houses, at least not alone, other than if there is any emergency, then it is okay. From today, व्यक्तिगत चिकित्सालय, जानवरों का चिकित्सालय, फार्मेसीज जो पहले भी ओपन थे वो अभी भी ओपन रहेंगे. और ऐसे रिलेटेड हर चीजें आज से पूरा ओपन. फायर ब्रिगेड्स और एम्बुलेंस का भी फंक्शनिंग स्टार्ट हो गया है. इन विलेजेस और सिटीज जहाँ भी कोई शॉप एक अकेले है, मतलब बहुत दूर में एक शॉप है, वो पूरा ओपन रहेगा. बट जहाँ पे क्लस्टर्स ऑफ शॉप्स है वहाँ पे जैसे 1:4 करके होगा. लाइक अगर सपोज 4 शॉप्स है, 1, 2, 3, 4, तो पहला वाला ओपन होगा, फिर बीच के 1-2 रह जाएंगे, फिर ये चौथा नंबर वाला ओपन होगा. सो ये उनको आपस में विथ मार्केट एसोसिएशन एंड दी शॉपकीपर्स एसोसिएशन मिलके डिसाइड करेंगे कि कौन सा शॉप किस दिन खोलना है. क्लस्टर ऑफ शॉप्स में देयर विल बी अ गैप, और वहाँ पे एम्प्लॉय रिस्ट्रिक्शन भी होगा कि पूरा स्टाफ नहीं आ सकता. एम्प्लॉय रिस्ट्रिक्शन इज स्टिल 33%. अगेन सोशल डिस्टेंसिंग तो मेंटेन करना है. मतलब लॉकडाउन पार्ट 3 में थोड़ा सा रिलैक्सेशन है. इसका ये मतलब ये नहीं है कि हम मतलब सारा बिंदास मतलब शॉप्स खोले या हम बिंदास मतलब सामान खरीदने जाए, ऐसा नहीं करना है हमें. अगर एक क्लस्टर्स में सारे शॉप्स ओपन हो रहे हैं तो अगेन इट विल बी डिवाइडेड, टाइम विल बी डिवाइडेड. लाइक मॉर्निंग में जो शॉप्स खुलेंगे वो इवनिंग में नहीं खुलेंगे, और जो इवनिंग में खुलेंगे वो मॉर्निंग में नहीं खुलेंगे. अगेन ये उनको आपस में ही तय करना है कि कैसे खुलेगा, एंड दिस विल बी चेक्ड थॉरली. इन रिगार्ड्स टू टैक्सीज, ओला, उबेर, ऑटो रिक्शाज ऑल विल स्टार्ट. बट मैं आपको बता दूँ, जहाँ मैं हूँ सफदरजंग इनक्लेव में, वहाँ से कोई अभी भी सर्विस स्टार्ट नहीं हुआ है. नेक्स्ट न्यूज़ इज दैट ऑल दी डेवलपमेंट वर्क, जैसे मेट्रो कंस्ट्रक्शन हो, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन हो, एवरीथिंग विल बी स्टार्टेड फ्रॉम टुडे. बट अगेन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके सारे लोग हैंड ग्लव्स पहनेंगे, मास्क तो रहेगा ही, हैंड सैनिटाइजर भी रहेगा. बट ये डेवलपमेंट वर्क सारा स्टार्ट हो गया है आज से. एंड एवरी ऑफिसेस can will be functioning from today with a 33% strength of employees. मतलब सिर्फ 33% ही लोग आएंगे एक ऑफिस में at one point of time. But again सारा government rules
फॉलो करके, इनफैक्ट मैंने आपको दो वीडियोस में भी दिखाया कि कैसे हम गए थे और प्लेस में, हाउ वी मेंटेन्ड आवर सेल्फ, व्हाट प्रिकॉशंस व्हिच वी हैव टेकन इन रिगार्ड्स टू शॉप्स, चाय की दुकान, पान की दुकान, मिठाई की दुकान, रेस्टोरेंट्स सब आज से खुल जाएंगे, बट अगेन वहाँ पे बैठ के कोई नहीं कुछ भी खा सकता, दे हैव टू पैक इट एंड दे हैव टू ब्रिंग इट होम। बैठ के खाना एकदम अलाउड नहीं है कहीं भी, किसी भी रेस्टोरेंट में, स्पास, सलून, पार्क्स, जिमनेशियम, स्विमिंग पूल्स सारे के सारे अभी भी क्लोज ही रहेंगे। इनका ओपनिंग का कोई भी अभी तक फैसला नहीं हुआ है, बट अगर बार बार आप किसी को हेयर कट वगैरह लेना है, जैसे हम लोग तो ले ही नहीं पा रहे हैं, अगर किसी को हेयर कट वगैरह लेना है तो वो नाई को जो है ना, जो बार्बर है, उसको अपने घर बुला के फिर वो ही और शी कैन हैव अ हेयर कट। ई सर्विस प्लेटफॉर्म अभी भी सिर्फ ग्रीन और ऑरेंज जोन के लिए है। मास्क मस्ट हो गया है सबके लिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी एज। फिश मार्केट, वीकली मार्केट एंड ऑल दी अदर बिग मार्केट्स ऑफ एवरी स्टेट डिस्ट्रिक्ट विल रिमेन क्लोज टिल एनी नेक्स्ट ऑर्डर। ये सब सारे मार्केट्स क्लोज रहेंगे। जैसे फिर से मैं बोलना चाहूँगी कि ये सब के साथ ना और बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आया है, जैसे इंक्रीज इन डिमांड ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर। 1 लाख से भी ज़्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर का ऑलरेडी स्टोर कर दिए गए हैं। इंक्रीज इन मेडिकल इक्विपमेंट्स, इंक्रीज इन ICU बेड्स, इंक्रीज इन N95 एंड N90 मास्क, इंक्रीज इन सैनिटाइजर्स, ऑल मेडिकल फैसिलिटीज हैव बिन इंक्रीज टू ऑलमोस्ट डबल। अलॉन्ग विद दिस देर आर सम पॉजिटिव न्यूज ऑल्सो, लाइक दैट 1,000 कंपनीज आर ट्राइंग टू मूव इन इंडिया फ्रॉम चाइना। इन अ वे ये सब न्यूज हम पॉजिटिवली ही ले सकते हैं। कॉमर्स मिनिस्ट्री पूरा ट्राई कर रही है कि ये हमारे कंट्री में एस्टैब्लिश हो, इससे आई एम श्योर जॉब्स भी बढ़ेंगे। बहुत लोगों को ये डर लग रहा है कि जॉब्स खतरे में हैं, बट लाइफ ज़्यादा ज़रूरी है ना, जॉब से ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ज़िंदगी रहेगी तो ही तो हम आगे काम कर पाएंगे। तो आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये न्यूज़ से थोड़ा हटके हो रहा है, जॉब्स की अभी चिंता मत कीजिए। काम करना हमें सभी को आता है, थोड़ा सा अप्स एंड डाउन तो लाइफ में आएगा ही ना, जॉब्स मिल जाएगा, होप मत छोड़ेगा। दिल्ली में CRPF हेडक्वार्टर अभी सील कर दिया गया है क्योंकि वहाँ के एम्प्लॉयज़ COVID-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। एंड आई विश जिनको भी ये COVID-19 पॉजिटिव हो रहा है, दे गेट वेल सून। और इसी के साथ ही आज का न्यूज़ जो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए, आज के लिए इतना। और अगर आप लोग के पास कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, डू शेयर इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आप लोग को न्यूज़ अच्छे लगे होंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवन सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू हैव सब्सक्राइब प्लीज़ प्रेस अ लाइक बटन इफ़ यू लाइक इट, एंड इफ़ यू डू नॉट लाइक इट यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो एंड कमेंट, एंड इफ पॉसिबल प्लीज शेयर द इन्फॉर्मेशन। आप किसी भी वे में शेयर कर सकते हैं, बट वी नीड टू कीप अपडेटेड, सो आई विल ट्राई टू ब्रिंग मोर अपडेटेड न्यूज़ टू ऑल ऑफ यू। एंड विद दिस आई टेक अ लीव, सी यू टुमारो।